दोस्तों, रामायण और श्री राम के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता है। हम सब जानते हैं कैसे 14 वर्ष का वनवास काटर रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और अपने शरीर को त्यागा तो उसके बाद क्या हुआ? आखिर श्री राम और उनके भाइयों ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था और फिर अयोध्या का क्या हुआ? और क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा है? ये सारी बातें आपको हैरत में डाल देंगे, तो इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रामायण के बालकांड और सीता हरण कांड के बारे में हर कोई जानता है और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि सीता माता ने जब धरती में समाधि ली थी तो उसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर श्रीहरि ने धरती पर मानव अवतार लिया है तो यकीनन उन्होंने देह त्याग तो किया ही होगा। और इस बात का उत्तर मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देह छोड़ने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता जी के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु जी का सातवां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था और श्री राम पहले ही हनुमान जी को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने के बहाने, क्योंकि भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वीलोक त्यागने के लिए मंजूरी नहीं देगा। हनुमान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी जैसे श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। यम देवता श्री राम से मिलने के लिए अपने असली अवतार में नहीं आते बल्कि एक साधु का भेष लेकर आते हैं, और भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वीलोक पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। जब राम और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि ने श्री राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप न मिले इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची। लक्ष्मण जी खुद ही श्री राम के पास चले गए। ऐसे में भगवान राम को समझ नहीं आया कि वो लक्ष्मण को कैसे मारे। भगवान राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए, यानी उन्होंने अपना देह पानी में त्यागा और शेषनाग का रूप ले लिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम जी ने भी इसी तरह अपनी देह त्याग दी। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया, और भगवान श्री राम ने भी इसी नदी में अपने देह को त्याग दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद में एक दिव्य विमान आया। उस समय में भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में दो की जगह चार भुजाएं हो गई। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो अपने परमधाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी दशा क्या होगी? तब भगवान ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो इसलिए आप सभी मेरे साथ चले। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। लेकिन अभी उनके कई राज्य और भी बाकी थे। ऐसे भी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अंत में दक्षिण कौशल प्रदेश जो आज छत्तीसगढ़ है उसमें कौश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रवस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ आज भी एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। फिर लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ के राजस्थान में आकर बस गए। यहाँ उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद आज यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ जिसे बड़ गुजर जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी जिनमें बैचला यानी बैसला और गहलोत कोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाया। तत्पश्चात एक नागवंश कन्या के साथ विवाह किया।
ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। कुछ ने कुशवाहा यानी कछवाह राजपूत का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी साक के संप्रदाय की स्थापना कुश के ही वंश से हुई। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में तो कुश का ही वंश आगे बढ़ा, इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद हुए नब, और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते पहुंची महाभारत काल के राजा भरतबल तक, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग भी लिया था और ये कौरवों की ओर से लड़े थे। और ये माना जाता है कि इनका वध अभिमन्यु के हाथ से हुआ था चक्रव्यूह के दौरान। दोस्तों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। जी हाँ, इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मनंद ने हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में कर लिया था। अब श्री राम की बात की गई है तो उनकी भाइयों की भी बात कर लेते हैं। भरत के पुत्रों का नाम तक्ष और पुष्कर था, लक्ष्मण के पुत्रों का नाम चित्रांग और चंद्रकेतु था, शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम सुबाहु और सूरसेन था। भरत ने अपने नाना कैकेयी राज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गंधार को जीता था। भरत ने अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। बाद में भरत के दोनों पुत्र तक्ष अपने नाम से तक्षशिला नगरी बसाते हैं और पुष्कर ने पुष्करावती नगरी बसाई, और तक्षशिला को भी भरत के पुत्र तक्ष ने ही बसाया था। लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रांगद को अंगद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कारुपत का राज्य संभाला जो आज हिमाचल प्रदेश में है, फिर अंगादिया नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने मल्ल देश का राज्य संभाला जो आज गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक एक नगरी बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राज संभाला और उनके दूसरे पुत्र सूरसेन भेलसा यानी आज का विदिशा का शासन करते थे। दोस्तों, ऐसे सवाल उठना लाजमी है, तो क्या भगवान राम का वंश आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंश कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया? तो दोस्तों, आपको बता दें, 2019 में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली से आता है। वो कछवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसमंद से मौजूद भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंश के रूप में सवाई जय सिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।